जय साथियों, स्वागत है आपका वी एस अकेडमी के चैनल पर। आज 1 सितंबर 2024 है और रविवार का दिन है। यहाँ टाइमिंग ट्रायल आप देख रहे हैं वी एस अकेडमी उज्जैन के बच्चों का। हाई इंटेंसिटी स्पीड वर्कआउट हमारा स्टार्ट हो चुका है और उसका परिणाम देखेंगे। एक वीक पहले क्या टाइमिंग था और आप क्या टाइमिंग है, क्या कोई लड़की 3 मिनट से अंदर लगा सकती है, देखते हैं। यार सभी अच्छे से लगाना, लाइन के पीछे गो वहाँ चले जा। एक वॉच मुझे स्टार्ट करे, स्टॉप आता नो सत्यम वहाँ चले जा तू 700 पे। टाइमिंग स्टार्ट हो गया, आप टाइमिंग स्टार्ट हो गया अनु, थोड़ा यहाँ से आके बना लेना पीछे से। टाइमिंग स्टार्ट हो गया है लड़कियों का, बता दूँगा हाई इंटेंसिटी स्पीड वर्कआउट हमने स्टार्ट कर दिया। और स्पीड वर्कआउट के अंदर अब क्या टाइमिंग कवर करती है बच्चियाँ देखें, क्योंकि बारिश का सीजन लगातार चल रहा था, लॉन्ग जंप पे ब्रेक लगा हुआ था। लॉन्ग जंप की बेसिक एक्सरसाइज हम लोग करवा रहे थे, शॉर्ट पुट करवा रहे थे, और आज देखेंगे कि क्या है टाइमिंग लेके आती। ओवरऑल हमारा जो टारगेट था लड़कियों को 2 मिनट 10 से 15 सेकंड के आसपास का टारगेट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करा रहे थे, ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा एंड्योरेंस वर्कआउट नहीं करा रहे थे। क्योंकि ज़्यादा एंड्योरेंस वर्कआउट कराने से जैसे आपको बता दूँ कि आपका शॉर्ट पुट डाउन हो जाता, आपकी लॉन्ग जंप डाउन हो जाती। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने बेसिक वर्कआउट करा के इनको जो है अच्छे लेवल का शॉर्ट पुट रेडी कर दिया, अच्छे लेवल की लॉन्ग जंप कर दी। टाइमिंग भी बहुत अच्छा लगा रहे हैं, बहुत ही कम रेपिटेशन में लगवाता हूँ। आप लगातार मेरे वर्कआउट वीडियोस देखते हैं और लाची आगे दौड़ रही है। 1:22, 1:23, 1:27, 1:28, 1:29, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34, 1:35। चलो 1:38, 1:39, 1:41, 1:43। तो 1:43 1:43 में सारी लड़कियां यहाँ से निकल के जा चुकी है। और जैसा मैंने बताया कि वर्कआउट बहुत अच्छा डिज़ाइन करना पड़ता है, जिससे कि आपकी देखिए वो लड़की ने बहुत तेज लगा लिया और वो 500 मीटर के बाद रुकी थी और फिर से दौड़ना स्टार्ट किया। इसका भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप अपने जोश में इतना ज़्यादा पेस लगा लें, पहला राउंड इतना तेज़ लगा लें कि सेकंड राउंड लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ध्यान रखना है कि ऐसा बेसिक पेस बनाना, आपको ऐसा पेस सेटिंग करना है कि जिससे आप जो है 2 राउंड पूरे कर पाएँ। और लड़की पहले राउंड में उतना तेज़ लगाया, उसके बाद जो है वो 500 मीटर के बाद रुकी और फिर वापस से दौड़ना स्टार्ट कर पहले स्थान पर ही बनी। और वो यदि अपने कदम नहीं रोकती, कम से कम वो जो है 4 से 5 सेकंड रुकी और फिर उसने दौड़ना स्टार्ट किया उसने। तो ये गलती आपको नहीं करना, पहला पेस बहुत ईजी लगाना, मतलब ऐसा लगाना जो आपको जो है आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक एसिड ना जमाए। ईजी से मतलब ये है कि आपको पेस सेट करना 400 का जो रेपिटेशन है उसमें मतलब 5 सेकंड प्लस करना है। देख लिया पहला चक्कर पूरा कर, 2:45 हो गया, 2:46 हो गया, 2:50 हो गया, 2:50। और 3, 3, 4, 3, 6, 3, 2, 3, 4, 3, 12, 3, 22, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3,
340। चलो फिनिश करो, फिनिश करो, फिनिश करो। ए लड़कियों खड़ा करो इनको। चलो खड़ा जाओ, खड़ा हो इधर आओ, इस तरफ ट्रैक छोड़ो। 351। देखिए दोस्तों, बंद कर दिया। आप लोग देख रहे हैं, जैसे इनको दिखाओ। ए लड़कियों खड़ा हो जाओ, दौड़ने के बाद तुरंत नहीं लेटना, खड़ा हो जाओ जल्दी से। ब्लड का फ्लो तेज रहता है, जल्दी खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, हाथ पकड़ के खड़ा करो इसको, खड़ा हो वैशाली। क्या पूरी रेस दौड़ ली और तुम लोगों को एंड टाइम फिनिश के बाद में गिरना लगता है क्या? सब मेंटली है, दिमागी तौर पे ऐसा होता है। हम लोग पूरी रेस को फिनिश कर दिया और लाइन के पार आके गिर गए। गिरने का मतलब रेतार नहीं उठ पाना, हम जो है हमारे विल पावर वीक होता है। जब पूरी रेस में कहीं ना कहीं गिर जाते ऐसा होता तो फिनिशिंग के बाद ही क्यों गिरते। चलो आगे चलो, उठे लड़के दीपिका।
जय हिंद दोस्तों। देखा आपने कि पिछली बार का टाइम हमारे यहाँ की लड़की जिसने 3 मिनट लगाया था, इधर आ कितना टाइम आया इधर आपकी बार, जिसने 3 मिनट लगाया था 3:10 कर दिया। आपको टाइम भी मेंटेन करना है, 3 मिनट में लगाने वाली लड़की इस बार 3:10 में लगा दी, तो आपको 3:10 इतना बहुत ज़्यादा होता है, 1 या 2 सेकंड बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, 3:10 मतलब 3 मिनट से 3:10 से पूछना, कहीं ना कहीं या तो आपकी कोई आपको परेशानी है, बीमारी है, या बीमार हो गए थे तो इतना बढ़ सकता है, या फिर आपकी लापरवाही है वर्कआउट में। तो 3 से 3:10 होना बहुत बड़ी बात होती है, 3 से 3:1 3:2 चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।